ठीक है, ये देखो बहुत हाइट है, ये सबके बस का नहीं है, चाहिए हल्की सी। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज डे टू। शाम को आपने देखा था कि हम लोग कैंपिंग के लिए आए हुए थे, तो अभी सुबह उठा तो मेरा फोन जो है वो डेड हो चुका था, तो आप मॉर्निंग के सनराइज के टेंट के शॉट आपको दे नहीं पाए, बट कोई मसला नहीं है, दोनों टेंट लगे हुए हैं, चाय वाय हमने बढ़िया से पी है, सेटअप आप यहाँ पे देख सकते हो, दोनों गाड़ियां बढ़िया से लग रही है। लोकेशन जहाँ पे हम आए हुए हैं वहाँ एक तो सामने टावर है, बंदे अपने ऊपर चढ़ चुके हैं, और इस जगह की इसकी एक खास चीज ये है कि यहाँ पुराने टाइम में अंग्रेजों के टाइम में कोई बहुत ही बड़े लेवल का अंग्रेज अधिकारी यहाँ रहता था, और उसके घर के कुछ जो बचे खुचे अवशेष हैं वो यहाँ पे हैं। तो मेरा ऐसे हिस्टोरिक और पुराने खंडरात वगैरह देखने का बहुत मन रहता है हमेशा से, तो मैं अभी जाऊंगा वहां, देखेंगे ऊपर चढ़ने की भी कोशिश करेंगे, तो चलिए ठीक है। बाकी ये पोर्टेबल ऑनिंग, तो कल रात को जो भी सीन हुआ था वो आपने देखा था कि पहले भाई लोग आ गए फिर बाद में चैनल वाले उन्होंने देखा। चलो आओ चलते हैं ऊपर की तरफ। ये माता रानी का मंदिर है, ताला लगा हुआ है इसलिए बाहर से ही माथा टेकेंगे। पहले हम चढ़ेंगे यहाँ से ऊपर, ठीक है, ये देखो बहुत हाइट है। अरे आपको डर नहीं लग रहा हाइट से? चलो तो पहले यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे, फिर यहाँ से ड्रोन उड़ा के आपको पूरा यहाँ का व्यू दिखाएंगे। और वो जो अंग्रेज भाई साहब का घर है वो हमें मिल नहीं रहा, वो शायद यहाँ नीचे होएगा, तभी जाएंगे। अभी ड्रोन लाना भूल गया था, ड्रोन लेने जा रहे हैं। अभी चढ़ेंगे ऊपर, जिनको हाइट से डर है वो ना इस तरह की चीज़ें वो करें, बट अपने को तो कोई मसला नहीं है अभी तक, तो मसला होगा तो पता लग जाएगा। कोई बात नहीं, अरे नहीं मैं नहीं डरता जी, ये सबके बस का नहीं है भाई। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं, थोड़ा थोड़ा धक धक हो रहा है, आपको नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं, ये ऐसे ही बोल रहे हैं, धक धक सबको होता है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। हम तो पहाड़ी हैं जो हाइट पे ही रहते हैं, फिलहाल के यहाँ से ड्रोन उड़ाने की कोशिश करेंगे। और ये हाइट काफी अच्छी है, यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है ना। कितनी हाइट पे आगे वो होगा देहरादून? हाँ ये पूरा देहरादून है। कितनी आबादी है देहरादून में भी, तो बहुत लोग रहते हैं, पूरा ही बसा हुआ है, उधर भी देखो उधर भी देखो, हर जगह बस्ती बस्ती है। और कैमरा में ये बड़ा प्यारा आ रहा है। हाँ पर अभी तो क्या है, धूप है ना, थोड़ा सा उतना नहीं दिख पाएगा, तो एक बार ड्रोन उड़ाते हैं। उड़ा लिया, फोन की स्पेस बार बार फुल हो जा रही है, सारा डाटा SSD में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब जो है सबसे बड़ा टास्क है, ऐसे डाल दे उसको, ठीक है, वो है यहाँ से नीचे उतरना। चढ़ने में तो बहुत मजा आया लेकिन उतरना टफ है। आराम से उतरेंगे अभी, और फोन आ गया सुबह सुबह, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का। अपनी भुजाओं पे नियंत्रण रखो और भरोसा रखो, यहाँ तो मैं पुशअप भी लगा सकता हूँ। अभी नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया था, महंगा बढ़ जाएगा। अगर सीधा जमीन पे गिरे, देखो गर्दन के बाल गिरे हैं, कमर की हड्डी टूट गई, तो कोई फायदा ही नहीं फिर जीने का भी। यहाँ अब हमें कुछ लोकेशन का पता चल नहीं रहा है, एक वो पुरानी सी बिल्डिंग वहाँ नीचे दिख रही है लेकिन वो बहुत नीचे है। एक हमें डाउट ये लगा क्योंकि कल जो भाई आए थे उन्होंने कहा था कि ना फर्श पे कुछ डिजाइन है, जैसे ये देखो ये पक्की जगह दिख रही है ना, तो ये लाल रंग भी है, हो सकता है यही हो, बिल्कुल ही खत्म होगी वो जगह, क्योंकि टॉप तो यही बनता है। चलो कोई बात नहीं, ये गेम ऑफ थ्रोन्स का रेवन किधर से आ गया, ओह अभी इधर बोल रहा था। तो अभी क्या है कि धूप थोड़ी ज्यादा हो रही है, 8 ही बजे हैं लेकिन धूप पहाड़ के बिल्कुल हम उस पे है ना, तो बोलेरो को घुमा के ऐसे लगा देंगे ताकि इसकी शेडो बन जाए। चलो ठीक, पहुंच गए हैं वापस, हम करेंगे थोड़ा बहुत एडिट वेडिट का काम, तो वहाँ पे कुकिंग हो रही है, आप कुकिंग के शॉट्स एंजॉय करो। तो आज हम ब्रेकफास्ट में बना रहे हैं, सर आप क्या बना रहे हैं बताइए। मैं तो उपमा बना रहा हूँ, और मैंने पहले मटर हल्के से बॉईल कर लिए, और उसके बाद ये रेडी टू ईट उपमा जो है ना, ये सबसे नरिशिंग भी होता है और हेल्दी भी होता है और अच्छा भी लगता है। ये मेरा तो उपमा हो गया रेडी, और ये बन रहा है सैंडविचेस, जो स्मॉल टाउन राइडर को ज्यादा पसंद है। ये तो देखो स्मॉल टाउन राइडर खुश है, मस्त खाना वाना मिल रहा है, जम्मू में तो खाना नहीं मिलता, कैंपिंग में ही मिला है खाना, तो बनाते फिर खाते हैं। अपना तो बढ़िया एकदम खाना तैयार हो चुका है, उपमा देख सकते हो, ब्रेड सैंडविच, और घर छोड़ के यही काम करें, बढ़िया है, देख खाना भी मिल जा रहा है सब कुछ, नहीं तो जितना स्ट्रगल हमें खाने के लिए करना पड़ रहा है ना। तो चलिए जी अभी ट्राई करेंगे, क्या बढ़िया चीज है। ऑल थैंक्स टू सर एंड मैम जो हमें इतना बढ़िया खाना खिला रहे हैं। तो अभी यहाँ से वापस निकलने की तैयारी है, लेकिन इतना पीसफुल और इतना शांत सा है ना, ये धूप ना हो तो मैं तो सोच रहा हूँ 2 दिन यहीं पे रुक जाए, लेकिन अब रुक नहीं सकते ना क्योंकि फिर बाकी ये काम भी हमें करने हैं सारे। तो चलो ठीक है, फटाफट से ये जो है पैकअप कर रहे हैं और निकलेंगे। और ये सारा बीच में डाल देंगे बढ़िया से।
जी फाइनली निकल चुके हैं लोकेशन से, तो अभी जा रहे हैं वापस। अब देखते हैं आगे के क्या सीन है। कैंपिंग तो एक दिन का था हमारा प्लान, वो हमने कर ली बढ़िया से। तो अब बाकी ये कुछ प्लान भी हैं भाई साहब, गाड़ी पे भी कुछ काम करवाना है, वो सारी चीज़ें भी करेंगे। सो लेट्स जी। अभी तो निकल गए थे और अभी एक फॉरेस्ट के अधिकारी भी आए हुए थे। ये देखिए नीचे से पूरा ऐसे ना, इस साइड बहुत रिस्क है, मतलब जगह अभी यहाँ तो जगह दिख रही है आपको, आगे तो जगह भी नहीं दिखेगी। एक साइड बिल्कुल खाई सी है, पहाड़ देखो कितने बढ़िया बढ़िया हैं, भयंकर सीन है। यहाँ तो रास्ता भी एक ही ऐसा लग रहा है, हम ये रास्ता तो चढ़ के आए नहीं, ये तो इतनी चढ़ाई आ गई, रास्ता तो एक ही है यही है। अच्छा सो जी, थोड़ा सा स्केरी भी रहता ही है, जैसे देखो बिल्कुल पहाड़ के टॉप पे चल रहे हैं ना, सामने भी पहाड़, तो मतलब पहाड़ों पे तो ऐसा ही है। बट ये क्या है कि अभी उतना ज्यादा डेवलप नहीं, बड़ा सिंगल सा रास्ता ही है, बड़ी केयर से चलना पड़ता है। नदी सूखी भी है, ये चीज़ नहीं मुझे पसंद आई, नदी क्यों सूखी भी, नदी में तो पानी होना चाहिए, अभी जून जुलाई तो है ही नहीं। सो जी अभी क्या है, जिस रास्ते से आया था ना उसी से ही मैं तो वापस जाने लग गया। ये देखो रायपुर लिखा हुआ है, तो भैया है वो कह रहे हैं गलत जा रहे हैं, अभी हमें जाते हुए दूसरे रास्ते से जाना है, तो फिर उनकी गाड़ी आगे रहेगी, हमारी पीछे रख लेंगे। तो अभी दिल्ली निकलेंगे वापस ना, कुछ काम वाम है वो निपटाने हैं सारे, तो चलो मैप भी लगा लेंगे। तो जी चेक करो आप, बस कभी हाथी दिख जाए तो हमारी तो पूरी मनोकामना ही पूरी हो जाए, लेकिन चलो हाथी ही नहीं दिखेगा। पर कितना खूबसूरत है पेड़ों के बीच से जाते हुए, एकदम बढ़िया। यहाँ पे वो है एयरपोर्ट है साथ में, देखो। वैसे तो अभी जो सुबह वाला वो सैंडविच और वो उपमा था वो भी अच्छे से वो नहीं हुआ है, पीछे भाई लोग आ गए, पहले उनसे मिल लेते हैं। क्या हाल चाल है भैया? फिर हमने उनसे पूछा ढाबा बढ़िया, कह रहे हैं बढ़िया। और बताओ? बस बढ़िया। बढ़िया लग रही है गाड़ी हमारी? बढ़िया लग रही है। चलो जी उत्तराखंड भी बहुत ही बढ़िया, मिलके अच्छा लगा। ठीक है, ओके ओके। बढ़िया रेस्टोरेंट है, तो चलिए अभी खाएंगे ट्राई। ये कोई बफे एरिया है, देखते हैं बफे एरिया में बैठना है कैसे बैठना है। टेक्निक लगाई है बेसिकली, यहाँ ना बफे सिस्टम था, तो इन्होंने मुझे बोला एक बफे आप लेके ट्राई करो, अगर अच्छा होगा तो फिर हम सब भी आएंगे। वो देखो वो सारे वहीं पे बैठे हुए हैं, तो चलो मैं अभी खा के बताता हूँ। जस्ट खाना खा के बाहर निकले हैं एंड अगेन भाई लोग मिल चुके हैं। क्या हाल चाल है जी? ठीक हो? सारे देखते हो वीडियोस? अच्छा और बताओ सबसे बढ़िया क्या लगता है ये बताओ पहले। गाड़ी लगती है? मैं नहीं लगता बढ़िया। चलो क्या बात है, क्या बात है। चलो जी ठीक है, कीप सपोर्टिंग है ना, मिलते रहेंगे। ओके मिट्टी दा पाणे टेर मिलांगे, हाय नी अपा फेर मिलांगे। सो जी एसी की कूलिंग हो गया दी एंड, अब ये फिर से मतलब गर्म सी हवाई आ गई है इसमें, पर चलो कोई मसला नहीं है। अभी कहीं हरिद्वार के आसपास पहुंचे हैं, बड़ा अच्छा सा लग रहा है, ऐसे लग रहा है मतलब देखो ट्रैवल कर रहे हैं, कहां से कहां जा रहे हैं मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन हाँ बड़ा ही अच्छा सा लग रहा है। और गर्मी तो है ही है, तंदूर भी आस्ता आस्ता बन रहा है, बट कोई चक्कर नहीं है, तंदूर बनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो दिल्ली 209 किलोमीटर रहता है, दिल्ली जाएंगे फाइनली। आई थिंक हरिद्वार हम आए गए देख सकते हो आप, लेकिन गर्मी आया है, शीशे हमने बंद रखे हुए हैं, एसी वेसी है ऑल, क्या बढ़िया है। नहा लेंगे गंगा जी में, डुबकी लगा लेंगे, नहा सकते हैं, नहा तो सकते हैं, पर अपने बंदे तो आगे चले गए, गाड़ी को भी एक डुबकी चाहिए। हाँ बड़ा अच्छा सा, फिलहाल अभी रुक नहीं सकते क्योंकि हमारे प्लान जोर भी हैं, यहाँ टाइम लग जाएगा, पर अच्छा सा लग रहा है, वाइब अच्छी आ रही है, और मेरे को लग रहा है यहाँ से हमें बहुत अच्छा व्यू भी दिख रहा है। तो जी अभी हरिद्वार में हैं हम लोग, तो यहाँ पे ना बहुत ही बढ़िया सी गाड़ी है, तो इतनी देर से बैठे थे रेस्ट वेस्ट, वीडियो एडिट चल रही थी, तो फिर मैंने सोचा मैं ना वो गाड़ी देख कर आता हूँ, और वो देखो वो लगी है अपनी बोलेरो, सही लगती है ना। बस ये जो बम्पर टूटा है ना अजीब सा ही दिख रहा है यार, मुझे नहीं पता कितने लोगों को ऐसे अच्छा लगता होगा, बट मुझे ऐसे घूमना नई जगह एक्सप्लोर करना बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे हर एक जगह का ना अपना एक अलग लाइफ स्टाइल होता है। बट ये देखो मेरा टूटा बम्पर, ऐसे सामने से देखो ना ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही हो रखा है गाड़ी के साथ, ज्यादती हो रखी है। ये रही जी गाड़ी, बताओ तो ये गाड़ी पहले आपने कहाँ देखी हुई है? ये देखो ये BRV गाड़ी है, कितनी हाइट लग रही है इसके सामने, ओए भाई साहब बहुत ही प्यारी गाड़ी है। हम रुके हुए थे हरिद्वार जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन रुके कहाँ थे वो तो आपको बताया नहीं। तो ये है जी अमित जी, अमित जी क्या हाल चाल है? बढ़िया। ठीक हो? और अभिनव कैसे हो आप? बढ़िया। बेसिकली जो मैंने गुरखा दिखाई वो गुरखा इन्हीं की थी, उस पर जो बताओ आप हमारे साथ कैंपिंग पे कब चल रहे हो? आपका इंतजार रहेगा। अब बताओ नेक्स्ट प्लान कब है? जब अमित जी गए। अरे सब एक दूसरे पे डाल रहे हैं। तो गाइस मुझे लग रहा है कि प्लान जो है वो मुझे ही बनाना पड़ेगा, तो नेक्स्ट टाइम अगर हम उत्तराखंड में कहीं भी कैंपिंग कर रहे हैं ना, तो एक एक्सट्रीम गुरखा जो है वो आपको दिखने वाली है ना। बिल्कुल। चलो जी ठीक है, काफी अच्छा लगा, निकलेंगे यहाँ से, लेट हो रहे हैं। ठीक है फिर है ना। ओके ओके ओके। ठीक करवा रहे हैं हम लोग हवा, देखो इस टायर में तो बिल्कुल ही ना बैठ सा गया ये टायर, अभी वहाँ कम की थी मल देवता में, तो उसके बाद से करवाई नहीं, तो अभी गाड़ी ना चल नहीं पा रही थी ढंग से। तो जी कुछ तो मसला हुआ है हाईवे पे, इतना जाम क्यों है? नेशनल हाईवे पे जाम का तो एक ही मतलब होता है कि कुछ बड़ा कोई गाड़ी बीच में बढ़ गई है, क्या चाहिए हल्की सी हुई है ये तो अगले ने ब्रेक लगाई होगी मेरे ख्याल से। हाँ मेरे को लगता है ये तो इसी ट्रक वाली की तो कोई गलती नहीं हो सकती। चलो
जब कहीं रुकते हैं ना तब तो बढ़िया लगता है, बाकी ये गाड़ी ना चला चला के दिमाग सा खराब हो जा रहा है। एक तो क्या है पोल्यूशन काफी ज्यादा है, फिर बलैरो की अगर विंडो खुली रखो तो दिक्कत, बंद रखो तो दिक्कत, जैसे ना ट्रैफिक बड़ा ज्यादा है। बड़ी सारी चीजें हैं, बट चलो क्या है, ऑप्शन नहीं है कोई, करना तो है ही है। मैंने ना गाड़ी कितने कम टायर पे चलाई, हवा पे यहाँ यहाँ तक टायर जमीन पे टच हुआ है, देखो मतलब कितनी हवा कम थी। मैंने गाड़ी चलाई है, सारे टायर ही कम हवा पे चलाए मैंने, देखो यहाँ तक तो गुड्डी टच नहीं होती, नीचे एकदम फ्लैट सा कर रखा है। बढ़िया हूँ मैं, मतलब खुद को बहुत पसंद हूँ मैं। तो भैया ने कहा है कि ऑर्डर यहीं पे ही होगा, तो इसलिए आज हम फिर से ट्राई करेंगे। मतलब एक बार कभी उधर जब जिमनी लेने आना तब यहाँ हम करेंगे डाइनिंग। आप अपना दो लोग का कर रहे हो? नहीं, सबका करेंगे एक ही जगह से। अच्छा ऐसा क्या, तो फिर क्या, तो उधर ही शूट करेंगे ना, फिर हम अलग क्यों लगेंगे, कोई मजाक है। वो बाहर लिखा हुआ था ना 2499। कौन सा? अच्छा 2479। अच्छा दो बर्गर आएंगे 79 ईच? नहीं, दो बर्गर आएंगे 79। अच्छा तो बड़ा ही सस्ता महंगा। देखो चलिए ये आ गए हमारे बर्गर छोटे छोटे, ये मेरा, बाकी सब देख लेंगे। तो जी बर्गर वर्गर खाने के बाद अब निकल चुके हैं वापस मंजिल की ओर। लगभग 3 घंटे का रास्ता है दिल्ली पहुंचने का, 3 घंटे तो लगाने पड़ेंगे, पर चलो अभी ये सुख है कि अब जाम थोड़ा कम मिलेगा। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक। सो दिस इज डे 2। तो कल रात को क्या है कि वापस आए थे और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था, तो चलिए फिलहाल बोलेरो की आप हालत देख सकते हो। तो आज हम करने वाले हैं वो काम जिसका शायद आप सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार है और जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी था शायद यहाँ आने का, इकलौती वजह ही निचली तो वही थी। बाकी अभी मैंने क्या चप्पल पहनी हुई है तो ये अपने जूते जो है वो पहन लूँगा। दिल्ली की गर्मी एंड हमारा एसी अब जो है वो पूरी तरह से माल फंक्शन हो चुका है, अब तो ये बिल्कुल भी कूलिंग जो है वो कर ही नहीं रहा। मैं यहाँ पहले एसी का काम दिखाने जाऊँ कि कहीं जाऊँ, तो मतलब मेरा तो ऐसा है देखो, मेरे लिए कंफर्ट की उतनी वैल्यू नहीं है। अगर गर्मी लग रही है तो कोई बात नहीं, मैं गर्मी बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मैं एसी ठीक करवाने के लिए अपना टाइम नहीं दे सकता। जिस मेन काम के लिए आए थे भाई साहब, बोलेरो की मॉडिफिकेशन, क्या वो सीन है सारा। तो MMG आपको पता है गगनबाजी से मैं वहां भी मिला था, तो अभी जाएंगे MMG। फिलहाल अभी आ चुके हैं वापस, तो सबसे पहले तो क्या है कि टेंट उतार देंगे, बिकॉज अभी हमें दिल्ली में ही जो है वो घूमना है, इतनी देर से उतार लेंगे और जब हमें वापस जाना होगा तो फिर देखेंगे लगा लेंगे वापस। तो चलो टेंट उतारने के बाद अब निकल चुके हैं, गूगल मैप पे हमने लोकेशन जो है वो लगा दी है, तो सीधा अभी पाजी की वर्कशॉप जा रहे हैं। वहाँ चल के ही आपको बताते हैं कि क्या प्लान सोच कर आए थे और अभी क्या प्लान मेरे मन में चल रहा है। अरे यार क्या दिक्कत है भाई तेरी, बोलेरो है तो मजेदार है लेकिन इसकी छोटी छोटी चीजें है ना, जो एसी हो गया, सिस्टम हो गया, सब खराब है। अभी तो मेरे को बोलते हुए भी ना ऐसा शर्म भी आती है और हंसी भी आती है, मतलब गाड़ी बहुत अच्छी है यार, गाड़ी में कोई बुराई नहीं है, छोटे छोटे काम है करवाने का, टाइम लग नहीं आ रहा। तो चलो हालत मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, विंडो खोलते हैं तो बाहर की लू अगर आपको दिख रहा है, पसीना मुझे आ गया है यहाँ पे अब तो, मतलब बिल्कुल ये ठंडा करना ही छोड़ गया है, मेरी तो जान दुखी आ गई है। अभी भी 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बट फिर भी आई थिंक शीशा खोल लेना ज्यादा बेटर है। फाइनली पहुंच चुके हैं लोकेशन पे और जो यहाँ सामने के दृश्य है ये मैं आपको दिखा नहीं सकता, मुझे दिखाएं क्या? दिखा दो भाई साहब, ये मैं पाजी से पूछ लूंगा, पता नहीं दिखानी है नहीं दिखानी है। ये क्या है, क्या है ये थार है? नहीं थार नहीं है, नई वाली थार है क्या ये? समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, नई वाली थार है पुरानी थार है, ये पाजी से पूछे क्या ये। तो चलिए अभी गगन पाजी से ही मिलवाते हैं, तो वो पहले कह रहे हैं कि आपको आपकी गाड़ी का ना टेस्ट करवाएंगे, परफॉर्मेंस चेक करवाएंगे, एंड देन उसके बाद डिसाइड करेंगे कि भाई क्या करना है कैसे करना है या जो भी है। तो चलो वो तो बहुत आगे भागे, गाड़ियों की टेस्टिंग तो चलो होगी होगी, लेकिन गाड़ियों से पहले हमारी टेस्टिंग होगी। ये जो गर्मी है ना चिंके निकाल देगी भाई सब चिंके, चलो कोई बात नहीं चिंकना भी जरूरी है। फाइनली पहुंच चुके हैं लोकेशन पे और ये जो है इसकी स्वे बार जो है डिस्कनेक्ट की जा रही है। तो वैसे मैं कुछ काम करवाने के लिए आया था, लेकिन पाजी कह रहे हैं देखो काम से पहले क्या होता है टेस्टिंग होती है ना, और मेरी गाड़ी आपने फंसवानी है अभी उधर उत्तराखंड में, इतना कुछ हुआ है। ये गाड़ी उसी ट्रैक से निकलवाऊंगा, हाँ। फिर आप ही इसी को निकालोगे? अच्छा देखो ड्राइवर सेम रहेगा, गाड़ी अलग होगी, अपने ना सारे बोल्ट वोल्ट डाल दिए थे, अभी खोल रखे पूरे, ठीक है, बट स्पेशली आपके लिए निकाली है। अरे क्या बात है क्या बात है। तो देखिए बोलेरो है, वैसे भी इस वाली बोलेरो की तो क्या है बहुत ही ज्यादा हाई फै डिमांड है, और क्योंकि फेंडर वगैरह नए बन रहे हैं। अच्छा अभी आपको दिखाया मैंने अंदर फेंडर सब कुछ, मतलब कॉस्मेटिकली अभी इसे हम कर रहे हैं, बड़ी मतलब एक तरह से ना एक्सट्रीम बिल्ड है, मतलब मुझे लगता है बोलेरो की तो यही लिमिट है ये ठीक है। बाकी अगर एक बार आपको ना सस्पेंशन की बात बता दूं, इसको क्या बोलते हैं, मल्टी लिंक सस्पेंशन, मल्टी लिंक कॉइल स्प्रिंग, जैसे मेरे वाली साइड में आप देख रहे हो ना पटे कमानिया है आगे भी और पीछे भी, तो इसमें देखो ये मल्टी लिंक आगे और बीच में जो है कॉइल स्प्रिंग आपको वैसे दिख रहे हैं, तो उससे क्या है लिफ्ट में फर्क है, आर्टिकुलेशन में बड़ा अच्छा रहेगा, कम्फर्ट सब चीजें अच्छी रहेंगी। सो एक बार इसको पीछे भी दी हुई है, डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, आगे भी ना एक्चुअली एक पिन होती है, ठीक है, अभी हमने काम कर रहे थे तो बोल्ट डाल दिया था,
ठीक है, बोल्ट खोल रहे नहीं तो आप इजीली पिन निकाल लो। ओके ओके ओके, बम्पर भी सारा डिजाइन कर रहे हैं हम, मतलब फिर से सारा डिजाइन हो रहा है। ये देखो जितनी भी चीज कलर भी अब देख रहे हैं, पेपर्स पे चढ़ जाए तो चेंज करेंगे दूसरा, वो सरप्राइज रहेगा। अच्छा तो चलिए, तो हो गई वो डिस्कनेक्ट, फिर करें एक बार, कौन सा करना है, बड़ा नॉर्मल सा करेंगे, ये है नॉर्मल, पहले आप अपनी लाओ गाड़ी। तो एक बार फिर से आज बोलेरो की हम टेस्टिंग करेंगे, बम्पर जो है उसका वो टच कर रहा है आगे से, अभी देखते हैं। इसमें तो लॉकर भी है, लॉकर है, मेरी गाड़ी को भी यहाँ उतना स्ट्रगल तो नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा इजी था, तो अभी एक बारी उसको लाके देखेंगे। फिर पाजी क्या है कि ढूंढ रहे हैं एक टफेस्ट वाला जिसमें हमारी गाड़ी जाते ही डूब। ठीक है, चलाने वाले हैं आज इंडिया की सबसे एक्सट्रीम बोलेरो। इस गाड़ी को चलाना अपने आप में ही एक ऑनर की बात है, समझ रहे हो आप। तो चलिए, हाइट का यहाँ पे काफी वो है, टोटल कितनी लिफ्ट है ये? 7 इंच। 7 इंच तो मैं ऊपर, मुझे अंदर बैठ के ना फील होगी, तो अभी देखते हैं। जैसे हमारी वाली पे थोड़ा सा तो कुछ हमें करना पड़ा है, क्या इंजन भी चेंज है? ये गियर बॉक्स वगैरह सब कुछ चेंज, हमारी वाली से काफी स्मूथ फील हो रही है। फर्स्ट टाइम जो है क्रॉलिंग करी है मैंने, मतलब क्लच और रेस से सब जगह से पांव उठा दिया था, गाड़ी अपने आप ही फ्लेक्स, और कॉन्फिडेंस तो इतना है ना कि पलटेगी नहीं, जैसे दूसरी में ना डर लग जाता है। आओ अभी डराते हैं आप। लगे हैं ऑब्स्टेकल नंबर 2 पे, तो देखते हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल चेक होगी क्या होगा। पाजी की स्माइल देखो, पाजी गाड़ी के अंदर में बाहर ऐसी स्माइल रहती है। राइट रखो, राइट काटो, राइट काटो, अगर पलटने लगे तो अगर लगेगी उठ गई ज्यादा, राइट। हाँ सीट बेल्ट तो लगा दी है यार, सीट बेल्ट के बिना नहीं लगता। राइट काटो, अंदर से जो ये एक्सपीरियंस है ना, और ये इतना फ्लेक्स नहीं लिया मैंने कभी, तो ये बहुत छोटा है, वो बड़े वाले पे तो मैं वो जाएगी नहीं अंदर, जो बड़े ट्रैक है। चलो कोई नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस रहने वाला है, उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर भी आएंगे। बाहर से कैसा दिख रहा है बट मुझे पूरा पता है कि ये इतने ही एंगल पे है जितना मैं अपनी बोलेरो में बैठा हुआ था, बट अभी मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा कि ये पलटेगी। अब उसमें बड़े सारे रीजन थे, और लो, वहीं तक आ जाओ, पूरा बस आ जाओ बाहर।
अभी तक कहीं लॉकर की जरूरत नहीं पड़ी। लॉकर होता है जब ये भी स्पीड मारनी शुरू करते है ना, मतलब एक टायर गियर में आ जाए। नहीं बट इसमें ना एक तो क्या है कि इंजन का पावर इतना ज्यादा है, मतलब कहीं भी ओवर एक्सेलरेशन या वैसा कुछ नहीं है, बस आप क्लच छोड़ दो तो अपने आप ये रुकेगी नहीं, बंद नहीं होगी। ये बंद किसी सिचुएशन में होती है? बंद होती है, कई बार होती है, बट वो है आपको मतलब मैनेज करना आना चाहिए ना, क्लच और एक्सीलेटर जो है, ठीक है, हर गाड़ी का अलग होता है। अब उस इंजन का अलग है, MDI का, ये है स्कॉर्पियो, ये है 105 BHP, वो है 63 BHP, इसमें 449 है, उसमें आपकी 4111 है हाई स्पीड रेशो, तो वो तो बंद हो गई होगी। अब लाओ यहीं से आप आपकी बुलेरो भी लाएंगे, यहीं से लाए, चलो जी, ऐसे इसी एंगल पर। वो चीज कभी भी जस्टिफाई नहीं करेगा, बट आपने लॉकर यूज करना है, लॉकर यूज करना नहीं, यहाँ तो लॉकर की जरूरत ही नहीं ना। उधर ही राइट कार्ड के पीछे लो, राइट कार्ड पे, राइट कार्ड के बस, अब लेफ्ट ले लो, आने दो, आने दो। लेकिन वो था ना, वो टायर बज रहा ना बम्पर वहाँ के। तो जी इस गाड़ी पे भी आप देख सकते हो हल्का फुल्का फ्लेक्स लिया है बेचारी ने, ठीक है, अभी हल्के फुल्के को हैवी कैसे करना है वो देखें। अभी क्या कह रहे हो, पीछे जान लो, हाँ थोड़ा पीछे जाने तो दोनों, फिर आपने जो सी सॉ करना है वो आ जाएगा ना। अब आओ बस, अब आ जाओ, हो गया पूरा, हाँ करो, उधर पूरा हवा में ही है, दोनों डाल आगे नीचे आ रही है। अब देखो इसमें दिक्कत क्या होती है, अब लीफ स्प्रिंग देखो आपका, अगर ये रॉक होती ना, और आप जो शैकल है ना, जो वहाँ पे हो रहा था आपके शैकल रब कर रहा था, ये तो मिट्टी है, ठीक है, आप मिट्टी को तोड़ दोगे, रॉक्स पे क्या करोगे आप। तो लीफ स्प्रिंग में एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है, बहुत आपके हिट करके आ रहे हैं, यहाँ से कुछ जुड़ा है, टूटा है क्या हुआ है, ये देखो नट, नहीं नहीं ये तो हिट हुआ है रॉक। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए जी, ये भी अपने आप में एक अलग ही तरह की एक्सट्रीम टेस्टिंग है, इससे भी बड़े सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं। अब जैसे देखो एक गाड़ी हमने देखी वो कैसे परफॉर्म कर रही है मॉड्स के बाद, तो अब हमने क्या करना है वो हम डिसाइड करेंगे अभी, चलो। फाइनली यहाँ से आप जो है सारा फ्लेक्स वगैरह जो है वो चेक कर सकते हो, इसमें रियर में डिस्क ब्रेक भी है, हाइड्रोलिक हैंड ब्रेक है, ओके। तो जी फिलहाल क्या है कि आपने देख लिया कि भाई बोलेरो का जो हमने टेस्ट है वो किया है, क्या उसमें परफॉर्मेंस है, क्या चीजें, ये तो चलो परफॉर्मेंस टेस्ट था ही, अब अपनी बोलेरो में हम क्या क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, क्या करेंगे, वो भी आपको नेक्स्ट पार्ट में जो है वो पता चल जाएगा। फिलहाल क्या है कि ये वीडियो ऑलरेडी काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है, तो इसको करते हैं यहीं पे खत्म। उम्मीद करते हैं वीडियो सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी, प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में कुछ नई अपडेट्स के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग, बाय बाय। Thank you.